आपको रूबरू कराते हैं और सबसे महत्वपूर्ण खबर ने अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रकृति धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखा रही है और अरब सागर में तूफान उठा बिपरजॉय आज गुजरात के कच्छ से टकराने जा रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद से लैंडफॉल शुरू होने का भी अनुमान है और इस दौरान 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन के खतरे के बीच बुधवार शाम कच्छ में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। भूकंप 3.5 तीव्रता का था। तूफान आज शाम तक कच्छ जिले के जखोपाट से टकराएगा। इसके चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं इस चक्रवात के असर से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कच्छ सौराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मछुआरों को 16 तक समुद्र में जाने की अनुमति नहीं है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान की वजह से तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है। तो 15 जून को खम्मम में रैली करने वाले थे शाह, तूफान से जुड़ी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगे। वहीं तूफान के चलते बुधवार को कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर लिया गया है। पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो गुजरात के तटीय इलाकों से 74,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अनुमान ये भी है कि तूफान के चलते 8 जिलों के 442 निचले गांव बाढ़ बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। तो गुजरात में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आएगी। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना कुछ ही घंटे बाकी है। 20 फीट ऊंची लहरें उठने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सभी अलर्ट मोड पर। तो आपको बता दें कि बिपरजॉय आज तट से टकराएगा और तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुजरात में दोपहर के बाद इसका असर देखने को मिलेगा। इसी बीच रुक करते